देख रहे हैं उत्तर बंगाल और सिक्किम का नंबर वन लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। मैं आपके साथ रुचिका सोमानी, कैमरामैन सनी। कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है। दुनिया के ज्यादातर क्षेत्र या देश लॉकडाउन है। पूरी दुनिया मानो थम गई है। सूरज चांद सब वैसे ही हैं, पर इंसानों की दिनचर्या, उनकी जिंदगी कितनी बदल गई है। कोविड-19 संक्रमण से हमारे जीवन में मुश्किलें बढ़ गई हैं। भागती दौड़ती जिंदगी मानो थम गई है, रुक सी गई है। कोरोना पूरे संसार पर अपना कहर बरपा रही है, पर हम भी कुछ कम नहीं। यानी इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं। जंक फूड बंद हो गए तो आधी बीमारी तो ऐसे ही खत्म हो गई। लेकिन जंक फूड या रेस्टोरेंट जैसे खाने का मन कर रहा है, पर लॉकडाउन है तो क्या करें। जी हाँ, क्या कर सकते हैं। पूरे परिवार ने बीड़ा उठाया है नई नई डिशेस बनाने का। वह खुद भी खा रहे हैं, पूरे परिवार को खिला रहे हैं। लोग नई नई रेसिपी ट्राई कर रहे हैं, और इस काम में गृहणियाँ अकेले नहीं हैं, उनके साथ पूरे परिवार के लोग जुड़ गए हैं उनकी मदद करने के लिए। स्कूल शैक्षणिक संस्थान बंद है तो क्या, ऑनलाइन क्लासेस हो रही है। बच्चे बड़े अपने जीवन को, अपने आप को और ज़्यादा निखार रहे हैं। हॉबीज़ क्लासेस चल रही है। बच्चों को बिजी रखने के लिए बहुत सारी क्लासेस यूट्यूब में, फेसबुक में, सब जगह ऑनलाइन है। वर्क फ्रॉम होम हो गया है। जो लोग काम के कारण अपने फैमिली, अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहे थे, उनके लिए तो यह और आसान हो गया। घर से काम भी करो, अपने फैमिली टाइम को एंजॉय भी करो। आ जाता है, तनाव भी बीमारी का एक मुख्य कारण होता है, पर घर पर रहने से तनाव भी कम होता है। पहले लोग अपने अपने धर्म के हिसाब से पूजा करने, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या चर्च, जहाँ भी हो, सब अपने अपने समय के हिसाब से जाते थे। घर के सदस्य अपने अपने समय मुताबिक जाते थे, लेकिन अब लॉकडाउन के कारण घर पर बैठकर एक साथ पूजा, भजन, सत्संग कर रहे हैं। लोगों के पूजा करने का स्टाइल ही मानो चेंज हो गया है। और तो और, शादियां भी देखिए बिना तामझाम के एकदम सादगी से हो रही है। यह समय सभी के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस समय हमें अपने परिवार के साथ समय बिताने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। बड़े बुजुर्गों को शिकायत रहती थी कि परिवार के लोग उनसे मिलने नहीं आते या फोन नहीं करते, लेकिन अब देखिए दिन में दो दो तीन तीन बार उनसे वीडियो कॉल हो रही है। लोग परिवार का महत्व समझ रहे हैं। बच्चे बड़े बुजुर्गों के साथ सेल्फी ले रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, एक दूसरे के साथ बिजी हैं, घर के काम करने में भी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। लोग लॉकडाउन के कारण अपनी बदली हुई जिंदगी की ओर बढ़ रहे हैं। सबकी दिनचर्या में बदलाव हुआ है। लोग बहुत अच्छा सोच रहे हैं, सकारात्मक सोच रहे हैं। लोग अपनी सेहत पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। लोगों की सेहत पहले से ज़्यादा तंदुरुस्त हो गई है। लोग अपनी लाइफस्टाइल बदल रहे हैं। किसी ने कहा है, स्वस्थ तन स्वस्थ मन, आज सही साबित हो रहा है। लोग प्रकृति के और करीब होते जा रहे हैं। हम सभी समझ रहे हैं कि प्रकृति के साथ हमारा तालमेल बहुत ज़रूरी है। पहले भी लोग सोशल वर्क करते थे, पर अब कोई भी अजनबी के लिए आज सब करने को तैयार है। जैसे किसी की दवाई खत्म हो गई या राशन नहीं है तो लोग उनकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। लोग पैसे का महत्व समझने लगे हैं। मार्केट सूने हो गए तो क्या, लोगों को समझ आ रहा है कि जितनी ज़रूरत है उतना ही लें। लोग इम्यूनिटी बढ़ाने के चक्कर में रसोई के खजाने तक पहुंच गए, योग पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। कोरोना वायरस के फैलाव से कोरोना के संकट ने दुनिया को, विश्व को शांत बना दिया। इसका सकारात्मक पहलू यह भी सामने आया है कि चारों तरफ वातावरण में शुद्ध हवा प्रवाहित हो रही है। मनुष्य के घरों में कैद होने से नदियों, पहाड़ों, वृक्षों का सौंदर्य निखर गया है। लॉकडाउन झेल रहे दुनिया के कई हिस्सों में वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण कम हो रहा है। नदियों की हालत कितनी अच्छी हो गई है, प्रदूषण मुक्त, दुर्गंध मुक्त हो गई है। लॉकडाउन के दौरान कारखानों से प्रदूषित जल नहीं बहने से देश की प्रमुख नदियां निर्मल होकर बह रही है। कारखाने बंद है, गाड़ियां घरों में खड़ी है, पेड़ों का कटना थम गया है। यही कारण है कि हवा, पानी, धरती के साथ ओजोन परत की भी स्थिति सुधरी है। हालांकि मानते हैं कि कोरोना वायरस के नए नए मामले हर रोज सामने आ रहे हैं, जिसके कारण देश को अपनी अर्थव्यवस्था और लोगों को अपनी जीवन शैली या फिर जीवन की रफ्तार काफ़ी कम करनी पड़ रही है। वहीं दूसरी ओर प्रकृति इस अवसर का फायदा उठाते हुए रिपेयर या अपनी मरम्मत कर रही है, शुद्ध हवा में सांस ले रही है। लोग घरों में बंद हैं और जंगली जानवर सड़कों पर, शहरों में मजा ले रहे हैं। पृथ्वी एक बार फिर से खुलकर सांस ले रही है। हवा कितनी शुद्ध हो गई है। लगता है इंसान जब खुद कुछ नहीं कर पाता तो प्रकृति ने यह बागडोर अपने हाथ में ले ली अपने को बचाने के लिए। शहर जंगल में बदल रहा है। शहर शहर, गली गली पक्षी नृत्य कर रहे हैं, जानवर भी मस्त विचरण कर रहे हैं। उन्हें अब किसी का डर नहीं, खतरा नहीं, राहत की सांस ले रहे हैं। भारत में लगभग 12 लाख लोगों की मौतें वायु प्रदूषण के कारण प्रतिवर्ष होती है। वायु प्रदूषण के कारण श्वास संबंधी रोग,
फेफड़ों का संक्रमण, काला मोतियाबिंद, हृदय संबंधी रोग, बच्चों के मस्तिष्क संरचना में परिवर्तन जैसे गंभीर रोग होते हैं। प्रदूषण में सुधार से इन लोगों में कमी आ रही है। पृथ्वी के कंपन में कमी, मौसम चक्र में भी परिवर्तन हो रहा है। इससे हमें यह भी सीखने को मिल रहा है कि यदि हमारी जीवन शैली प्रकृति के अनुरूप रहे तो हमें ऐसे ही धरती पर स्वस्थ व स्वच्छ हवा मिलती रहेगी। पर्यावरण विशेषज्ञ डॉक्टर केपी सिंह ने बताया कि भारत में लॉकडाउन होने के बाद आगरा दिल्ली के वायुमंडल में एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार हो रहा है। पार्टिकल्स पीएम 2.5 और पीएम 10 की मात्रा कमी के साथ दर्ज हो रही है। साथ ही मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु की वायु में भी काफ़ी सुधार हुआ है। कभी किसी ने ऐसा सोचा था कि इन सारी परेशानियों के बीच और भी कुछ बदला है? हमारी धरती, प्रदूषण, नदियाँ, वातावरण, हमारा स्वभाव और हमारी दिनचर्या। घर की फर्नीचर ही घर की शोभा होती है। गेस्ट की नज़र फर्नीचर पर ही पड़ती है। फर्नीचर के लेटेस्ट ट्रेंड से घर को स्पेशल लुक कैसे दे? फर्नीचर जंक्शन 3 मंजिलों में और 25,000 वर्ग फुट में फैले हुए फर्नीचर का एक अच्छा संग्रह है। शोरूम में हर किस्म के फर्नीचर कम कीमतों में उपलब्ध है। इसकी रेंज और कीमतों को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है फर्नीचर जंक्शन। जी हाँ, फर्नीचर जंक्शन 3rd mile सेवक रोड सिलीगुड़ी। कॉन्टेक्ट नंबर 9851511111। क्या आपके घर में शादी है? कोई फंक्शन तो होगा, तो उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी तो करवानी है। आज तकनीक दिनों दिन बदल रही है, कहीं गलत हाथों में मत पड़ जाइए। तरीका बदल गया है, आप भी बदलिए। याद रखिए सिडवैप्स। सिडवैप्स ही आधुनिक तकनीकों के साथ अपडेट रहता है और आपके बजट के अनुसार ही वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करते हैं। आप सोच रहे होंगे ये सिडवैप्स क्या है? शादी हो या कोई फंक्शन, इन पलों को सजोने के लिए याद रखिए सोमानी इंस्टीट्यूट ऑफ डीजी विजन एंड प्रोडक्शंस।